भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन तराकरं तत्पदं दर्शितं येन श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांतिकुंज हरिद्वार की। आज गुरु पर्व है और इस गुरु पर्व के ऊपर यहाँ पर अपनी प्रभात फेरी निकाली गई है। वास्तव में गुरु पर्व श्रद्धा और विश्वास और समर्पण का पर्व है और हम सभी को ही उस गुरु के प्रति सच्ची समर्पण और श्रद्धा और विश्वास को लेकर के आगे चलना चाहिए और उनके अनुशासन में चलना चाहिए। वास्तव में गुरु पर्व यानी अनुशासन का पर्व, श्रद्धा और समर्पण का पर्व। हम सभी उसी और अग्रसर और इसी का बहनों ने इस मंगल शोभा यात्रा में हिस्सेदारी की और संकल्प लिया। परम पूज्य गुरुदेव के संकल्प को अपना संकल्प बनाकर सबने शपथ ली है कि हम मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए कृत संकल्पित हैं और इसके लिए बढ़ चढ़ कर समयदान अंशदान और प्रतिभा का दान करेंगे और गुरु के सपने को मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अभियान को पूर्ण गतिमान कराएंगे। ऐसा सब शपथ लेकर इस मंगल शोभा यात्रा में बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रत्येश्वर महादेव होते हुए वापस समाधि स्थल पर इसका समापन हुआ है। सभी को गुरु पूर्णिमा की पावन मंगल शुभकामना। सबसे बड़ी कृपा भगवान गुरु के रूप में करता है, तभी तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं गुरु के समान कृपा करो। भगवान माता भी है, पिता भी है, लेकिन गुरु भी है। तो आज गुरु पूर्णिमा का कल त्यौहार है, 3 दिन का हम लोग आयोजन मना रहे हैं, तो क्या करें हम। हमारे गुरुदेव ने अपने भाषण में कभी कहा था, गुरु पूर्णिमा लाइसेंस देने का पर्व है। जो भी पहले ज़माने में साधना गुरु बताते थे वो गुरु पूर्णिमा से अगली गुरु पूर्णिमा तक ही बताते थे, यानी आज आप अपने लाइसेंस को नवीकरण करा सकते हैं। हमारे गुरुदेव कल्प वृक्ष हैं, यहाँ पर गायत्री को भी कल्प वृक्ष कहते हैं और हमारे गुरुदेव कल्प वृक्ष हैं। शांतिकुंज में जो भी अच्छी भावना करोगे वो पूरी हो जाएगी। आप कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं शांतिकुंज में, आप आज बढ़िया बढ़िया अपनी भावना करिए, बढ़िया वाली अपनी कामना करिए और आगे बढ़ जाइए। साधना में तो जरूर हर व्यक्ति को, हर भाई और बहन को आज आगे बढ़ने का दिन है। अपनी आपके भीतर से आपके अंतर में विराजमान गुरु ही प्रेरणा देने वाले हैं।